हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने है ऑल न्यू मारुति फ्रॉन्क्स जो कि अभी लॉन्च होने वाली है। वहीं जो पहले एस्क्रोस आती थी ना, उसके रिप्लेस में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा है। दिखने में गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है। वहीं जो इसका लुक है ना, वो कहीं ना कहीं बलेनो और ग्रैंड विटारा से मुझे इंस्पायर्ड सा फील होता है। बात करें गाड़ी का फ्रंट लुक की, डेफिनेटली इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी बेटर होने वाला है। वहीं बात करें फीचर्स के बारे में, तो सामने LED DRLs मिल जाते हैं जो कि आपको क्यूबिकल शेप में मिलते हैं। वहीं बात करें हेडलैम्प्स के बारे में, तो जो हेडलैम्प्स यूनिट है ये आपको LED प्रोजेक्ट के साथ मिलेगी। कुछ ऐसी ग्रिल यहाँ पे मिल जाती है। वहीं सामने स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिश में। गाड़ी का रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। वहीं बात करें गाड़ी के साइड लुक के बारे में, तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है फ्रॉन्क्स के साइड से। साइड से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं गाड़ी सब 4 मीटर में है, तो लेंथ अप्रोक्सीमेटली गाड़ी की 3990 या फिर 95 के आसपास होने वाली है। वहीं बात करें गाड़ी के टायर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे 16 इंच का टायर मिल जाता है। वहीं यहाँ पे डायमंड कट और ड्यूल टोन में अलॉयज मिल जाएंगे। आगे डिस्क ब्रेक, वहीं रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। व्हील के ऊपर व्हील आर्चेस मिल जाती है। साइड में आपको जो है मोल्डिंग मिलने वाला है। जो ये अलॉयज है ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहीं बात करें ORVM के बारे में, तो यहाँ पे जो बलेनो में ORVM आते हैं एज इट इज़, यहाँ पे आपको ORVM मिलते हैं। इंडिकेटर्स के ऊपर मिल जाते हैं, डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड मिलता है। रूफ़ के ऊपर जो है आपको रूफ रेल मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ। वहीं बात करें गाड़ी के रियर लुक के बारे में, तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है गाड़ी के रियर से। ये देखिए, जितनी गाड़ी आगे से अच्छी लग रही है उतना ही गाड़ी का रियर लुक अच्छा लगता है। टेल लैम्प से ये आपको LED फॉर्म में मिलते हैं दिखने में, जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं। दोनों टेल लैम्प यूनिट को मर्ज करती हुई बीच में आपको एक लाइन मिलेगी जो कि और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। पीछे स्किड प्लेट मिल जाती है। वहीं 3 पॉइंट मिलते हैं पार्किंग सेंसर के। पीछे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की जो है आपको बैजिंग मिलती है। रियर में आपको जो है शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो कि आपको रूफ के ऊपर ही मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, अब चलते हैं इसके इंटीरियर वाले पार्ट में। तो ये है इसका ओवरऑल इंटीरियर। ये देखिए जो इसका इंटीरियर है ये आपको पूरा ड्यूल टोन में मिल जाता है। इंटीरियर जो है ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है। वहीं एक ग्रैंड विटारा का जो इंटीरियर है एज इट इज़, यहाँ पे आपको पूरा इंटीरियर मिलता है। दिखने में जो है इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी यहाँ पे डोर ट्रिम मिलती है। ये वाला जो एरिया है पूरा आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा। ऑल 4 पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। स्पीकर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीकर का पूरा सेटअप मिलने वाला है। नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। मुझे ग्रैंड विटारा का जैसा ही जो है इंटीरियर से यहाँ पे फील हो रहा है। बट जो इसकी सीट है ना, ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल सी फील होगी। हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है। वहीं अगर बैठ के देखते हैं सीट पे, भाई सीट भाई गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। वहीं बलेनो से फार बेटर सीट बेसिकली आपको यहाँ पे मिलती है। डैशबोर्ड की बात करें तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड पे सिल्वर साटन का यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सामने 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ। वो सारे फंक्शन बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक AC यहाँ पे मिलता है। ये इसका ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है। वहीं स्टीयरिंग आपको कुछ इस प्रकार की मिलती है। स्टीयरिंग पे जो है लेदर का यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर, मतलब सारे फीचर आपको सेम ही मिलते हैं यार। बाकी जो बलेनो में आपको फीचर्स मिलते हैं, जो आपको ग्रैंड विटारा में फीचर्स मिले एज इट इज़ फीचर्स बेसिकली यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये सारे फीचर्स जो एज इट इज़ आपको बलेनो वगैरह में देखने को मिलते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी ठीक है यार, सेम है वही वाले फीचर्स, सही है गाड़ी यार। अब देखना ये होगा कि इस गाड़ी के प्राइस क्या आएंगे। बाकी अगर बात करें सीट के बारे में, तो सीट बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है यार। और अगर बात करें गाड़ी की रियर सीट के बारे में, तो कुछ ऐसी सीट यहाँ पे मिल जाती है। रियर सीट एज इट इज़ पीछे भी आपको फैब्रिक अपहोल्सी के साथ मिलती है। इस गाड़ी में आपको लेदर सीट नहीं मिलेगी, फैब्रिक अपहोल्सी मिलेगी। बट हाँ, सीट की कुशनिंग क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी। पीछे AC वेंट मिल जाते हैं। वहीं ये है गाड़ी का रियर डोर। जो ये ग्लास है ये आपको टिंटेड वाले मिलते हैं। वहीं अगर बात करें बूट स्पेस के बारे में, क्योंकि ये है इस गाड़ी का मेजर पार्ट, ये है ओवरऑल बूट स्पेस ऑल न्यू फ्रॉन्क्स का। काफ़ी बढ़िया बेसिकली काफ़ी डीप जो है आपको बूट स्पेस मिलता है। सही है यार, बूट में आपको लैंप मिल जाता है, स्पेयर व्हील आपको इसके नीचे मिलता है, बहुत सही। एंड इसके ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलने वाला है। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी का ना, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी गाड़ी मुझे काफ़ी बेटर सी फील हो रही है। अब देखना होगा कि इस गाड़ी के प्राइस क्या आएंगे, वहीं ये गाड़ी मार्केट में कितना बड़ा स्टैंड करने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।